हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। द टाइम राइट नाउ इज 7 AM एंड द टेम्परेचर राइट नाउ इज 5 degrees Celsius एंड द व्यू इज फिनोमिनल डूड। चेक दिस आउट। दर्शन करने के लिए सुबह लाइन लग चुकी है, काफी लंबी लाइन है। पूरी उधर से लाइन स्टार्ट है ऑल द वे टू द केदारनाथ टेम्पल। दर्शन की लाइन लगी हुई है, काफी लंबी लाइन है। तो दर्शन का टाइम है 5 से 2 इन द आफ्टरनून और फिर शाम को होता है आफ्टर द आरती। आरती शुरू होती है अराउंड 6:30 और आधे घंटा चलती है, दर्शन करने को मिलता है। चलते हैं और आगे का आपको रास्ता दिखाते हैं। टेम्परेचर और घट गया है, 0 degree हो गया है और ठंड है ना। अपन सकते कितना लंबा लाइन है। बात गरम है लच्ची नहीं। अगल बगल होटल्स की कमी नहीं है, अगल बगल काफी होटल्स मिल जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सस्ता मिले तभी आप बुक करो, वरना यहाँ आके आपको मिल जाएगा। हम लोग आ गए उस प्लेटफॉर्म पे जिस पर कल रात को थे, काफी बड़ा सा सर्कल है। इस जगह से अगल बगल का नजारा, ये सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफी कंस्ट्रक्शन काम अभी चल रहा है। बाकी वो है हमारा पूरा मार्ग, इस रास्ते से हम लोग आए हैं। वो है हेलीपैड। ये है वो राइट प्लेटफॉर्म, चल रहे हैं नीचे, जाते हैं नीचे। सीन फिलहाल एक ब्रिज पे है, बीच में है ये वाटरफॉल। ब्रिज से आगे एक्सप्लोर करने आपको दिखाते हैं, यहाँ का रास्ता बहुत प्यारा है। जगह जगह पे पहाड़ माउंटेन्स हैं, बहुत सुंदर है। तो उधर केदारनाथ मंदिर और ये है भैरव माता मंदिर। ये केदारनाथ से 2 किलोमीटर की दूरी पे और ट्रैक करना पड़ेगा, हमारे में दम नहीं आता। हेलीकॉप्टर
बैग जस्ट बगल में ही है। पर मैं अभी आया पानी पीने, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बर्फ जमी। पैड से केदारनाथ मंदिर की दूरी है 5 मीटर। चल रहे हैं, अब हमारा निकलने का टाइम हो रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि घोड़ा करें कि हेलीकॉप्टर कर लें, सारे समझने हैं हेलीकॉप्टर्स के रेट्स। तो हेलीकॉप्टर तो मिला नहीं, बट हम लोग अभी रूम पे जाके फिर से ट्राई करने वाले हैं, वरना फिर क्या करें, घोड़ा ही करना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 9:14 और आप देख रहे हैं काफ़ी धूप है। धूप के समय में उतनी ठंड नहीं लगती है, मेन ठंड अब तो लगेगी रात में, बाकी तो मौसम बहुत प्यारा है। टाइम हो रहा है 9:45, हम लोग निकल रहे हैं हर हर महादेव। हेलीकॉप्टर नहीं मिल पाया तो यही सही। जर्नी हमारी शुरू हुई है 11:15 पे और आई गेस हम लोग पहुंच जाएंगे अराउंड 3:15। सो इट्स नॉट इजी टू व्लॉग ऑन दिस हॉर्स, कंटिन्यूसली हिलता रहता है, लग रहा है फोन ना गिर जाए, तो नज़ारा बहुत प्यारा है। रास्ता है, थोड़े पर बैठे हुए मुझे 1 घंटे हो गए हैं और मेरे नी में पेन हो रहा है कि पूरे टाइम आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना पड़ता है, पूरा फोर्स आपके नी पे आता है, बट स्टिल इट्स बेटर देन गोइंग ऑन फुट।
हम लोग नाश्ता करने कर लिया नाश्ता, मैंने खाया मैगी, भाई ने दाल चावल खाया। आगे बढ़ते हैं। स्टेशन से पहले हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, अब बस पेमेंट करके निकलना है हम लोग को। पहुंच गए हम लोग सोनपराग। इस बात कहनी पड़ेगी कि पूरे रास्ते में सफाई बहुत है, पूरा सफाई मेंटेन करके रखते हैं, और इसीलिए हम जैसे टूरिस्ट को लिटर भी नहीं करना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। कितना लकी है हम लोग। उस दिन जो रजिस्ट्रेशन लाइव आपने देखी थी, आज देखिए ये है लाइन रजिस्ट्रेशन की ऑल द वे टू द लाइन। कम से कम 1 किलोमीटर की, फिर बाहर एंट्री पॉइंट से गौरीकुंड में 1 किलोमीटर, 4 घंटे बीत जाए आराम से। ड्राइव हम लोग निकल रहे के लिए। The next day. So we have reached our destination, but I'm not gonna reveal it yet. कमेंट डाउन वेयर वी आर, आई रिवील इट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे।